क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं? ऐसा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एरिया वेब की जानकारी या एरिया वेब जानते हैं? काफी लोग टेक्निकल नहीं जानते हैं, हो सकता है काफी प्रॉब्लम होगा। ये कोशिश करें तो उसको बहुत बताने की कोशिश करें। दूसरी बात, जो ये वेब छोड़ करके मैकेनिकल ट्रेडिंग करते हैं या मैकेनिकल ट्रेडिंग एनालिस्ट हैं, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम है? कोई कोशिश करें बताने की। जो इलियट वेब के जानकार हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? यदि आप बेसिकली इलियट वेब जानते हैं, बहुत इजी है मार्केट से पैसा कमाना और बहुत इजी है सिस्टम को फॉलो करते हुए पैसा कमाना। एक चीज और ध्यान दें, हम लोग यहाँ ये मान के चले हैं जितने भी हैं सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो टेक्निकल का मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या होना है? हम समझते हैं सारे लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि सारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अगर रोकेंगे समझते हैं। सबसे पहले कम से कम आप लोग कोई चैनल न्यूज़ नहीं देखते, कोई एग्जांपल लगूंगे रोकेंगे। जैसे जो भी टीवी न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं, वो अपने आप को समझ लें हमारे हिस्से हैं। यदि आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो आप इस चार्ट को देख करके उसको फॉलो करके और हम लोग फॉरकास्ट करेंगे या 30 मिनट 18 मिनट आप तो हम लोग यहाँ पे तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक डीएम वेब पे जानकार, सेकंड टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो डीएम वेब को छोड़ करते हैं, और थर्ड जो नॉलेज या कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सिंपल इन्वेस्टर। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि हम लोग का एलियट वेब जो कि नेचर सुला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ ये शेयर मार्केट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कमोडिटी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं या फिर करेंसी में यूज़ कर रहे हैं। हम लोग लाइफ के हर पार्ट में इस वेब को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसके कंडीशन क्या है, इसमें कहीं कोई बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, ओपन फ्लो होना चाहिए, मतलब ओपन उसमें ट्रेडिंग होना चाहिए या फिर ओपन ऐसा सिस्टम हो जिसको चीज कोई कंट्रोल ना कर पाए। जहाँ भी जिस जगह भी इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस थ्योरी को अप्लाई करके या इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम लोग फॉरकास्ट कर सकते हैं। और हम लोग सारे लोग समझते हैं कि हम लोग के जितना भी टेक्निकल टूल्स है, सिर्फ वेव ही एक ऐसा टूल्स है या वेव ही एक ऐसा सिस्टम है या प्रिंसिपल है जिसमें कि हम लोग एग्जैक्टली हर टाइम फ्रेम का 1 मिनट से लेकर के 100 साल 200 हजार साल तक का फॉरकास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे नॉलेज में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि हम लोग हर टाइम फ्रेम का फॉरकास्ट कर सकें। तो जहाँ तक फॉरकास्ट की बात है, ये बहुत परफेक्ट टूल है, परफेक्ट सिस्टम है या परफेक्ट प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि इलियट वेब का बेसिक प्रिंसिपल है, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए ठीक है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग कैसे करना है, वेब के सिस्टम से कैसे ट्रेड करना है, तो बेसिक जो रूल्स है कम से कम उतने को जरूर फॉलो करेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि इलियट वेब पे कम से कम हजारों ऐसे रूल्स हैं जिसको हर मोमेंट पे, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर अप्लाई करके और हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे, हर वक्त कम से कम 600 ऑप्शंस होता है। अब 600 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, रूल्स को यूज करने और तब आप ट्रेड करें कि हमारा मार्केट क्या होगा। तो हर रूल्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे रूल्स हैं जिसको कि कहीं भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ हम ध्यान रखें।
हम लोग का ट्रेडिंग सिस्टम है, हम लोग जो भी यूज करने या आने वाले समय सीखने जा रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल प्रॉफिट बना सके। सबसे पहले व्हाई डू पीपल फेल, जस्ट सिंपल सी बात है, हम लोग मार्केट में 90% लूजर होते हैं, 10% ही लोग गेनर होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्या सारे लोग नहीं चाहते हैं? या सारे लोग क्या हार्ड वर्क नहीं करते हैं? ऐसी बात नहीं है। या क्या हर लोग नहीं चाहते हैं कि हम पैसा अर्न करें? ये भी सही नहीं। हर लोग ये जरूर चाहते हैं कि हार्ड वर्क करें, काफी मेहनत करें, काफी सीखें। और हर लोग चाहते हैं सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, काम करने के बाद हम पैसा अर्न करें। लेकिन नहीं हो पाता। People fail because they use inadequate system. उसके पीछे सिर्फ रीजन ही है, हर लोग चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और पैसा अर्न करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। सेकेंड, दे फॉलो फॉल्टी ट्रेडिंग सिस्टम, या फिर है तो उनको पता नहीं चला कि ये जो सिस्टम मेरा सही है या गलत है, या फिर दे फॉलो नो सिस्टम आएगा, या फिर किसी के पास कोई सिस्टम है ही नहीं, जस्ट मार्केट में आ गए, ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत इजी है। मार्केट में दो ही चीज का मूवमेंट होना, अप से डाउन। यदि हेड टेल भी हम लोग करें तो कहीं ना कहीं पैसा तो कमा ही लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग का साइकोलॉजी ऐसा, हम लोग का नेचर ऐसा है कि हम लोग फिर भी का पैसा नहीं कमा पाते। मार्केट जबकि दो ही चीज होना, मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, ये दो सिस्टम ही सिर्फ है कि बढ़ेगा या गिरेगा, तब भी लोग पैसा नहीं कमा पाते। उसके बावजूद 90% लोग लूजर होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत ईजी है, मार्केट बढ़ रहा है।